हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने किसी भी फ़ोटो को या डॉक्यूमेंट को कैसे रिसाइज कर सकते हैं बिना उसकी क्वालिटी कम किए हुए। दोस्तों, अगर आपका 2 MB का फ़ोटो है, 4 MB का फ़ोटो है, 5 MB की फ़ाइल है कोई भी, तो उसे बिल्कुल आप 10 KB में, 15 KB में, किसी भी साइज़ में अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। दोस्तों, मैं भी बहुत दिन से एप्लीकेशन का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मुझे सबसे इंपॉर्टेंट ये एप्लीकेशन लगी है। दोस्तों, ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, आप डायरेक्ट गूगल में जाएंगे और वहाँ से कर सकते हैं। मैं इसे कंप्यूटर में भी इस्तेमाल करता हूँ, आप मोबाइल में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना है JPEG ऑप्टिमाइज़र। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो ऊपर वेबसाइट है, JPEG ऑप्टिमाइज़र कंप्रेस एंड रिसाइज यूअर डिजिटल फोटो, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं ऊपर, होम ऑप्टिमाइज JPEG फ़ोटो इमेज एग्जांपल्स इसमें दिखाया है, रिसाइज फ़ोटो, इसमें सभी ये यहाँ पे है जो आपकी इसकी वेबसाइट की मेन साइड है। यहाँ पे ये इसमें आपको यहाँ पे नीचे चलना है और यहाँ से अपनी फाइल जो है अपलोड करनी है। दोस्तों, जैसे आपको ये है रिसाइज फ़ोटो, ये कितने उसमें करना है आपको मेगापिक्सल में, ये लिखा हुआ है इसका न्यू फ़ोटो विड्थ इन पिक्सल। आपको अगर रिसाइज नहीं करना, केवल कंप्रेस करना है, जैसा मान लो यहाँ पे 60 लिखा है, तो यहाँ पे 60% आपको फ़ोटो कंप्रेस हो जाएगा। यानी अगर मान लो आपको 100 KB का फ़ोटो है, तो आपको वो 60% में मिलेगा, यानी 60 KB में वो मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे रिसाइज करते हो, तो कितना भी आप कम कर सकते हैं। यहाँ से आपको मैं एक फ़ोटो चूज़ करके यहाँ से दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करता हूँ, इसमें अपनी फ़ाइल में जाता हूँ, कोई भी एक फ़ोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं आपको एक ज़्यादा MB का फ़ोटो लेके दिखाता हूँ, यहाँ पे जो मैंने मोबाइल से खींचा हुआ है। दोस्तों, ये फ़ोटो है, आप देख सकते हैं 2.06 MB का है। मैं इस फ़ोटो पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको कंप्रेस इमेज है, ये है। आपको रिसाइज करना है तो आपका साइज़ बहुत कम हो जाएगा इसमें। अगर रिसाइज पे आपसे यहाँ से हटा देते हो, तो आपका ज़्यादा साइज़ कम नहीं होगा। मैं आपको कम करके दिखा देता हूँ, रिसाइज पे रहने देता हूँ, और यहाँ पे ऑप्टिमाइज फ़ोटो पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, ये 2 MB का फ़ोटो है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 10 बीट सेकंड ये ले सकता है। यहाँ पे अगर फ़ोटो को आपको कम करना हो, तो आप यहाँ से जो मैंने ऑप्शन बताया, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी फ़ोटो की पूरी डिटेल आ चुकी है। ये है दोस्तों, ओरिजिनल विड्थ है 41 28 MP, और न्यू विड्थ है 400 MP, 400 पिक्सल इसमें दिखाए हुए हैं। और यहाँ पे इसकी हाइट है, और न्यू हाइट इसमें दिखाई है 185। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं दोस्तों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें, ओरिजिनल साइज़ कितना है फ़ोटो का, 2010 KB, यानी 2 MB का। और न्यू साइज़ कितना, केवल 12 KB का इसने, यानी 2 MB का फ़ोटो को इसने 12 MB का फ़ोटो बना दिया। और यहाँ पे 99.4 सेविंग इन साइज़ फाइल, यानी 99.4 इनने साइज़ इसने कम कर दिया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा 2 MB का फ़ोटो है और इसे 10 KB का बना दे, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा क्वालिटी फ़ोटो की नहीं गई है। इसे आपको सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस पर सेलेक्ट करते रह, इस पर प्रेस करके रखना है, और यहाँ पे डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर देना है। ये इमेज आपका डाउनलोड हो चुका है और आपकी जो है गैलरी में पहुँच चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फ़ोटो यहाँ पर हमारा आ चुका है। मैं आपको और दूसरा फ़ोटो दिखा देता हूँ, कोई यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर फिर दोबारा दूसरा फ़ोटो लेने के लिए आपको यहाँ पर इसमें ही क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा कंप्रेस एंड रिसाइज योर डिजिटल फ़ोटो, इस पर दोबारा आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं दूसरी फ़ाइल लेकर दिखाता हूँ आपको, इसे सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। ये तो मैंने बहुत बड़ी साइज़ की फ़ाइल ले ली थी, बहुत बड़ा फ़ोटो था इसमें, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये कोई फ़ोटो है, 425 KB का ये फ़ोटो है, इसे हमें कंप्रेस करना है और इसे रिसाइज भी करना है। तो मैं यहाँ पे 425 KB, इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 800 800 या 900, जितना भी आपको साइज़ चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ फ़ोटो पे क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा फ़ोटो दोबारा से उसी तरीके से जो रिसाइज हो जाएगा और कंप्रेस हो जाएगा। अगर आपको रिसाइज नहीं करना है, तो यहाँ से आप ये राइट क्लिक हटा सकते हैं। दोस्तों, हमारा फ़ोटो जो कंप्रेस हो चुका है और रिसाइज भी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये फ़ोटो है, इसमें पहले फ़ोटो था 415 KB का, और अब फ़ोटो है 123 KB का। दोस्तों, इसका साइज़ इसका 123 KB का बहुत कम भी आ सकता था, लेकिन इतना क्यों आया है, क्योंकि यहाँ मैंने पिक्सल बढ़ा दिए थे, मैंने यहाँ पे 800 पिक्सल कर दिए थे। पहले ये था
720 पिक्सल का, और मैंने अब भी और ज़्यादा पिक्सल कर दिए थे यानी 800 पिक्सल कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे जो इसकी हाइट है, ये ओरिजिनल हाइट है इसकी 1280, और इसकी हाइट भी यहाँ पे 14, यहाँ से 1422 पिक्सल हो चुकी है। लेकिन जो इसमें कम क्यों हुई है KB, इसमें कम इसलिए हुई है क्योंकि ये कंप्रेस फ़ोटो हो चुका है और बिना इसकी कोई क्वालिटी लॉस नहीं हुई है, और फ़ोटो ये कंप्रेस आसानी से हो चुका है क्योंकि मेरे पास ये फ़ोटो ऐसे ही था। तो दोस्तों इस तरीके से सबसे बेस्ट ऐप है, आप पिक्सल घटा के बढ़ा के रिसाइज करके आप कोई भी इमेज किसी भी KB में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई फॉर्म भरते हैं तो सबसे बेस्ट ऐप है ये, कंप्यूटर में भी इस्तेमाल होगी और आपके मोबाइल में, क्योंकि इसके कोई ऐप नहीं है ये, तो डायरेक्ट आप गूगल में सर्च करें JPG ऑप्टिमाइज़र और यहाँ पर साइज कर सकते हो, और मैंने आपको डाउनलोड भी बताया कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।